हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगला नेट एग्ज़ाम यानी कि यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का जो नेट एग्ज़ाम है वो होगा या नहीं, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके, तो इसके बारे में आज बातचीत करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर बोता हम ज़्यादा लंबी वीडियो को नहीं बनाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ तो आप सबके हमारे सामने है कि जो एनटीए वाले हैं वो सब चीज़ें बड़ी फटाफट से कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस हैं नवंबर के मिड या नवंबर के एंड तक, बट देखिए जो रिज़ल्ट है वो नवंबर के मिड से ही पहले आपका आ गए, ठीक है। रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ गया, अब हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी दिन जल्दी जो है रिज़ल्ट आपका आ गया। इसका मतलब है कि एनटीए वाले अभी ये जो आपका एग्ज़ाम साल में एक बार अब होने लगा है इसको दोबारा से ट्रेंड पर लेके आना चाह रहे हैं, यानी कि दोबारा से साल में दो बार लेके आना चाह रहे हैं, है ना। तभी इतनी जल्दी से उसको समाप्त कर दिया एग्ज़ाम को। तो अभी जो अगला यानी कि दिसंबर वाला नेट एग्ज़ाम है वो आपका होने की संभावना है जल्द ही, यानी कि अगर मान लीजिए एनटीए वाले इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो दिसंबर के एंड तक आपका नोटिफिकेशन जो है 2022 दिसंबर 2022 वाले एग्ज़ाम का आ जाना चाहिए इस अकॉर्डिंगली। तो अगर आपका दिसंबर के एंड तक यानी कि न्यू ईयर के आसपास अगले वाले नेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका अगले वाला नेट एग्ज़ाम जनवरी के एंड या फेब की स्टार्टिंग तक हो सकता है, ठीक है। तो अगर जनवरी के एंड एंड फेब की स्टार्टिंग में ये वाला एग्ज़ाम हो जाता है तो उससे क्या होगा कि जो 2023 वाला जून का नेट एग्ज़ाम है वो जून 2023 में ही होगा, तो दोबारा से ये सिस्टम फिर अपनी लीह पर सारा चल जाएगा। अभी ये वाला एग्ज़ाम अगर जनवरी फेब में हो जाता है तो उसके अगले वाला जून 2023 में होगा, फिर दिसंबर 2023 में होगा, सारा सिस्टम दोबारा से अपनी लीह पर जो है वो आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो यानी कि पहले ये था कि दिसंबर वाला एग्ज़ाम जून 2023 के एग्ज़ाम से मर्ज हो जाएगा, बट अभी जो हम देख रहे हैं कि एनटीए वाले फटाफट से हरी अप एकदम एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि आपका जून 2023 का एग्ज़ाम दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम से मर्ज नहीं होगा, ये दोनों अलग अलग होंगे। दिसंबर 2022 वाला एग्ज़ाम आपका जनवरी फेब तक हो सकता है और उसके बाद फिर जून 2023 का अलग से होगा, ठीक है। तो यानी कि आपको अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल डिले नहीं करनी। जिन बच्चों का नेट क्वालिफाई हुआ है बिना टाइम वेस्ट किए कि 15 दिन सांस ले लेते हैं, रिलैक्स कर लेते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, और जिनका जो है वो नेट क्लियर भी नहीं हुआ उनके पास भी सोचने का वक्त नहीं है। मैंने आपको बताया है ज़िंदगी जो है वो आपको बहुत सारे चांसेस देती है, अगर एक चांस में आप रह गए उसको उस हार को सोच के रोने की बजाय आप अगले आने वाले चांस पर फोकस करिए, सो इट इज़ बेटर। अगर आप पुरानी हार को लेकर रोते रह जाएंगे तो अगले वाला आने वाला चांस भी आपसे छूट जाएगा, ठीक है। सो अपने अगले चांस पर फोकस कीजिए, बिना वेट किए कुछ सोचने का टाइम ही नहीं है आपके पास हार के बारे में अपनी, ठीक है। जस्ट फटाफट से अपने अगले नेट एग्जाम की तैयारी जो है फटाफट से आप स्टार्ट कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक दिए रखा है, वहां पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की एजुकेटर हूं और हर बार की तरह इस बार भी बहुत सारे बच्चों ने मेरे साथ यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स में निकाला है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। पूरे कोर्स की जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।